हेलो एवरीवन, सभी साथियों को नमस्कार। आईटीआई भारत इसके लिए यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आरएसी ट्रेड वालों के लिए मॉक टेस्ट तैयार किया है, तो आप लोग इस वीडियो ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें, या आप ही लोगों का चैनल है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग जरूर शेयर करेंगे, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे तो ही वीडियो आपको मिलेगी, अन्यथा आप लोगों के लिए हमारे वीडियो नोटिफिकेशन दोबारा से आपको नहीं मिलेगा और आप औरों से पिछड़ जाएंगे, ठीक है। चलिए, जब मंजिल करीब हो तो मेहनत जबरदस्त करना, जीत निश्चित है तुम्हारी, बस तुम अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहना। इसी के साथ पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और 20 क्वेश्चन है आपका, जितना भी स्कोर हो आप लोग हमें कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए, ज्वलनशील तरल पदार्थों की आग को कौन बुझाता है, पानी, वायु, CO2 या तेल? सभी लोग कमेंट करेंगे कौन बुझाता है। बहुत बढ़िया, चलिए कमेंट करिए। जितने भी लोग सी आंसर लगाए हैं, CO2 बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। CO2 वाले क्या देंगे, सभी लोग सही हो जाएंगे, CO2 वाले। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन, पीतल बनाने के लिए जस्ता के साथ किस धातु की मिस धातु उपयोग की जाती है, कौन सी मिस धातु की जाती है, किसमें, पीतल बनाने के लिए, आयरन, जस्ता, कॉपर, एल्यूमिनियम। पीतल के साथ हमेशा कॉपर का प्रयोग करते हैं, ये बात आप सभी लोग जानते होंगे। तो राइट आंसर बिना सोच समझे आप लोग क्या करोगे, बी आंसर एकदम सही आंसर लगा दोगे, बी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। अपनी कॉपी में नोट डाउन करते चलिए, कितना स्कोर होता है ये अपने आप से प्रॉमिस करना, ठीक है। सभी लोग उम्मीद यही करूँगा आप लोग जरूर स्कोर बताएंगे, और एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम कमेंट में देंगे, वो क्वेश्चन आप लोग हमें कमेंट करके बताओगे। मैलेट बनाने के लिए सामग्री का उपयोग किया जाता है, बताइए। मैलेट का मतलब संबंध रिलेट कर दो लकड़ी से। अब लकड़ी के साथ में रबर होती है, ये बात याद रखना है। एक मैलेट मुकरी भी होती है, जो हम लोहे का, जो हमारा कोई पत्र होता है जो पिचक जाता है, उसको हम सीधा करने के लिए, समतल करने के लिए मैलेट मुकरी का प्रयोग करते हैं, मैलेट, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। तीसरे का बी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, बी। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है, जस्ता मिस धातु के लिए उपयोग की जाने वाली मोड ड्रिल का बिंदु कोण कितना होता है, चार नंबर का बताइए सभी लोग, चार नंबर का, 118, 125? तो आप लोग इसका सही आंसर लगाओगे 118 डिग्री, याद रखना इसको, ठीक है। सभी लोग, जस्ता मिस धातु के लिए उपयोग की जाने वाली मोड ड्रिल का जो बिंदु कोण होता है वो कितना होता है, 118 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना हो जाएगा, चार का, एक मिनट, हाँ चार का सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, चार का सी आंसर। चलिए आगे लेके चले आपको, चलो बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, बताइए उच्च प्रतिरोध जांच करने के लिए किसका प्रयोग, मेगा, एमीटर। उच्च प्रतिरोध के लिए हमेशा याद रखना किसका प्रयोग करेंगे, बताइए। इसका आंसर मुझे नहीं लगता कोई भी ट्रेनी इसका आंसर नहीं दे सकता है, बताइए जल्दी से सभी लोग। बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा, मेगा, ठीक है। उच्च प्रतिरोध आपने किसका प्रयोग करते हैं, मेगर का प्रयोग करते हैं, 5 का ए आंसर सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। विद्युत धारा का क्या है, विद्युत धारा क्या, ये आपको नहीं पता है, आपने 9वीं 10वीं में पढ़ाई होगा, अगर आपने इंटर किया तो तब भी पढ़ा होगा। विद्युत धारा का क्या होती है, एम्पियर होती है, फैराड होती है, ओम होती है, या वोल्टमीटर होती है, बताइए। 6 नंबर का, बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, पहला ए आंसर सही हो जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन, ऊर्जा मीटर में डिस्क बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया था, एल्यूमिनियम, तांबा, पीतल, जस्ता, बताइए किसका प्रयोग करते हैं। 7 नंबर ऊर्जा मीटर बनाने में एल्यूमिनियम का, बहुत बढ़िया, किसका करते हैं, एल्यूमिनियम का, ए आंसर सही हो जाएगा, ए आंसर सही हो जाएगा, 7 का ए आंसर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन और लाजवाब क्वेश्चन है, 4 या 5 4 क्वेश्चन आपको डायग्राम संबंधित आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ये बात आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बताइए, ड्रिल मशीन के साथ उपयोग किए जाने वाले एसेसरी एक्स का नाम क्या है, बताइए, बताइए सभी लोग, 8 नंबर का, चक की का प्रयोग करते हैं, तो 8 का सी आंसर सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं, आईसी बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते हैं, सीधी सी बात, सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, आईसी बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं, तो राइट आंसर ए आंसर सही हो जाएगा, इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है, आप लोग आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। कोई किसी को उम्मीद, अगर कोई डाउट है तो बता दीजिए कमेंट करके, कोई दिक्कत हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन, डायोड बनाने के लिए किस सेमीकंडक्टर पदार्थ का, अब डायोड बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बताइए। डायोड भी हमारा जो होता है किसका प्रयोग करते हैं, तांबे का, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, तो हमेशा डायोड बनाने के लिए भी हम सेमीकंडक्टर बनाने के लिए सिलिकॉन का ही प्रयोग करते हैं, तो बी आंसर इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, 10 का बी आंसर इज द राइट आंसर
हो जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरी ऐसे उम्मीद है सभी ट्रेनियों से कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों। चलिए 10 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं और 10 में से आपके 10 सही होने चाहिए, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। चलिए पहला आगे क्वेश्चन, एक सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर में कितने टर्मिनल होते हैं, 1, 2, 4, 3 कितने होते हैं? फटाफट सभी ट्रेनी कमेंट करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होता है। बिल्कुल सही, 11 का डी आंसर है, 10 साइड आंसर डी आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। 3 होते हैं, कितने होते हैं? 3 होते हैं, कितने होते हैं? 3 होते हैं, बहुत बढ़िया, डी आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा, 11 का डी आंसर सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए आगे हम देखते हैं क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में उपयोग किए जाने वाले घटक का नाम क्या, जेनर डायोड, वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, वोल्टेज रेगुलेटर। 12 नंबर का आप लोग कमेंट करिए फटाफट, देखते हैं कितने लोग इसका सही करते हैं, बताइए 12 नंबर का सी आंसर, क्या बात है, बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा ट्रांजिस्टर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में उपयोग किए जाने वाले घटक का नाम जो है इसे हम बोलते हैं ट्रांजिस्टर, जाके यहाँ के आप देख सकते हो 3 इसमें होते हैं, एनोड, कैथोड और बेस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा वो एमीटर है ना, एमीटर कलेक्टर बेस, ठीक है चलिए, एमीटर कलेक्टर बेस ट्रांजिस्टर, बहुत बढ़िया, ये क्या है? ट्रांजिस्टर है। चलिए आगे चलते हैं, 12 नंबर का सी आंसर सही हो जाएगा, आगे चलते हैं। ऑक्सी एसिटिलीन गैस फ्लोएम की लौ तापमान कितना है, ये देखो ये क्वेश्चन 3 बार एग्जाम में पूछा गया है, 3 बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, कितनी बार? 3 बार। तो 14 का जो 13 का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 18 से 22 डिग्री सेल्सियस, या फिर 24 27, 27 से 28, 31 से 33, बताइए जल्दी सभी लोग कमेंट करेगा सही इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो डी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा, डी आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका? डी आंसर सही हो जाएगा, ऐसा उम्मीद करता हूँ आपका ये क्वेश्चन सही गया होगा, अगर आपने एम्प्लॉयबिलिटी वो भारत स्किल से पीडीएफ पढ़ी होगी तो। ये न्यू पीडीएफ है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग सेट में ऑक्सीजन होस पाइप का रंग क्या होता है, मेरून, हरा, काली, लाल, बताइए कमेंट करिए फटाफट, बढ़ाइए सभी लोग कमेंट करिए इसका कैसा होता है, किस रंग का होता है? तो काली, बहुत बढ़िया, सी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा, 14 का सी आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी लोग इसका सी आंसर लगा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर लगा रहे हो आप लोग, बहुत ही शानदार तरीके से। 15वां क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से हमारे 14 क्वेश्चन में 14 क्वेश्चन आपके सही गए होंगे। वेल्डिंग के लिए इलेक्ट्रोड होल्डर बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया, द्रव्य होल्डर का पूछा है, स्टील, कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम, तांबा, मिश्र धातु, किसका प्रयोग करेंगे आप लोग जल्दी से बताएंगे। हमेशा याद रखना तांबा मिश्र धातु का प्रयोग करेंगे, जो होल्डर होता है ना हमारा लाइट वाला उसमें हम प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा डी आंसर सही हो जाएगा, डी आंसर एकदम सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं 15 तक आपके क्वेश्चन सही है। 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कौन सा घटक गैस वेल्डिंग सेट में रेगुलेटर यूनियन के साथ होस को सुरक्षित रखता है, सुरक्षित करता है, बताइए 16 नंबर का, स्टील वायर, होस क्लैंप, फाइबर क्लिप, आयरन वेज चैन, 16 नंबर कमेंट करेंगे फटाफट सभी लोग, क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। 16 का भी आंसर लगा रहे हो, क्या बात है, होस क्लैंप इज द राइट आंसर, होस क्लैंप यानी कि बी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन क्या है वो भी हम देख लेते हैं। चलिए 16 हो चुका, चलिए 17 नंबर पे आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, समुद्र तल का वायुमंडलीय दाब या दबाव कितना होता है, समुद्र तल पर वायुमंडलीय दबाव कितना होता है वो हमें बताना है, बताइए 0.033 किलोग्राम अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, आगे हमें देखने की ज़रूरत भी नहीं है, नहीं है ज़रूरत तो हम क्यों आगे जाएं। पहला ही क्वेश्चन सेम टू सेम आपको एग्जाम में मिलेगा, तुरंत ये देखना है आपको कि समुद्र तल का वायु दाब कितना है, तो आप करोगे 1.033, चाहे ऊपर नीचे कहीं भी हो डायरेक्ट आप लोग क्या करोगे आंसर मार देना है। ठीक है, 17 नंबर का ये आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, सिल्वर ब्रोजिंग रॉड का पिघलाने का तापमान कितना है, सिल्वर ब्रोजिंग रॉड पिघलाने का जो तापमान है वो आप लोग बताइए कितना है। तो हम कहेंगे सर हमारा राइट आंसर पहला ही सही होगा, क्यों आगे बढ़ें, 1120 डिग्री फेरेड, यानी कि ये हमारा सही एफ हो जाएगा। ठीक है, 1120 डिग्री एफ, ये आंसर सही हो जाएगा, आगे हमें देखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा और क्लिक करना है। ठीक है, और क्वेश्चन जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन ये रहा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है,
ऊष्मा मापने के सूत्र का उपयोग किया था बताइए, ऊष्मा मापने के लिए किसका, थर्मामीटर, एनोमीटर, कैलोरीमीटर और एमीटर। तो सीधी सी बात है जो ऊष्मा होती है वो कैलोरी नापते हैं, ठीक है, ऊष्मा किसे नापते हैं, कैलोरी में, ये बात ध्यान रखना। तो सी आंसर सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग हमें कमेंट कर बताना, ठीक है। चलिए, कौन सा कारक काम का उत्पादन करते हैं बताइए, कौन सा, चलो 50-50 देता हूँ, बल और दूरी, समय और दूरी। कौन से कारक काम का उत्पादन करते हैं, बल और दूरी, समय और दूरी में से कोई एक है, आप लोग हमें कमेंट बताना। और वीडियो को यार दोस्त चाहने वालों के साथ शेयर कर देना है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करना है, ये आप ही लोगों का चैनल है, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, तभी वीडियो मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आप लोग जरूर जाना। और स्कोर आपका कितना हुआ 20 क्वेश्चन में 19 क्वेश्चन में से, वो भी कमेंट कर देना। और ये आंसर आप लोग बताना ही बताना, ए और बी में से कोई एक है, अगर आप तैयारी अच्छे से करते हैं तो कमेंट करके बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।